प्राकृतिक आपदाएं जब भी तबाही मचाती हैं तो इनके कहर से कोई नहीं बच पाता। कई बार तबाही का मंजर इतना भयंकर होता है कि पूरी की पूरी सभ्यता ही नष्ट हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको प्रकृति के एक भयंकर प्रकोप की दास्तां दिखाने वाले हैं, जिसको सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये कहानी वो दुखद दास्तां बताएगी, साथ ही उस इंसानी गुरूर को भी हवा कर देगी जो विज्ञान के ताजा रिसर्च से इंसान के दिमाग में आ गया है। तो दोस्तों, ये कहानी 1900 साल पहले की है। जगह थी इटली के कैंपानिया क्षेत्र में, नेपल्स की खाड़ी का ज्वालामुखी, जिसे माउंट वसुवियस के नाम से भी जानते हैं। उसके आसपास प्राचीन रोम के हर्कुलेनियम और पोम्पेई शहर भी थे। 79 ईस्वी में ये ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। ज्वालामुखी फटने से बड़ी मात्रा में लावा, राख और गैस ने करीब 21 मील दूर तक के क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया। ये दुनिया की बड़ी तबाहियों में से एक थी। वैसे ज्वालामुखी फटने से ऐसी तबाहियां होती रही हैं, लेकिन इस तबाही ने जो दास्तां दुनिया के सामने रख दी, उसके सामने दुखद शब्द भी फीका पड़ जाता है। क्योंकि जब ये ज्वालामुखी फटा तो माउंट वसुवियस से 300 लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बोट हाउसेज में शरण ली, जो हर्कुलेनियम शहर में थे। हालांकि इस शहर की दूरी भी कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन मौत ने उनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा और उन सभी की भयानक मौत हुई। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस और लावा के कारण आसपास का तापमान काफी ज्यादा हो गया था। आसपास का इलाका भयंकर रूप से गर्म होने के बाद उन लोगों का खून उबलने लगा, खोपड़ियां फट गई। उन सभी के शव करीब 1900 साल बाद 1980 में बरामद किए गए, जिन पर हाल ही में एक स्टडी की गई जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे एक शोध पत्र में ये कहानी डिटेल से बताई गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस और चट्टानों की वजह से एक इंसान के दिमाग का टिश्यू चमकदार शीशा बन गया। शीशे के टुकड़े में बदल चुका दिमाग इंसान की खोपड़ी के ऊपर जमा हुआ था। वहां से ही वैज्ञानिकों ने नमूना लिया और उस पर रिसर्च किया। आपको बता चुके हैं कि ज्वालामुखी फटने के बाद 300 लोगों ने एक बोट हाउस में शरण ली थी। उन लोगों का शव वहीं से बरामद हुआ, लेकिन एक आदमी का शव एक बिल्डिंग के अंदर से बरामद हुआ। वो बिल्डिंग ज्वालामुखी से निकली राख के ढेर से नीचे दब गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि वो शायद बिल्डिंग का चौकीदार था। वो शव एक बेड के पास से बरामद हुआ था जो जलकर राख हो चुका था। जले हुए बेड के आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि कमरे का तापमान 968 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच गया था। गर्मी की वजह से उस व्यक्ति की खोपड़ी भी बोट हाउस के पीड़ितों की तरह ही फट गई थी, लेकिन बाकी लोगों का दिमाग शीशे में नहीं बदला था, लेकिन उसका दिमाग शीशे में बदल गया। वैज्ञानिकों ने नमूने की काफी गहरी पड़ताल से पाया कि शीशे जैसी चमकदार चीज असल में दिमाग का टिश्यू ही थी। उसमें वही प्रोटीन मिले जो इंसान के दिमाग में पाए जाते हैं। स्टडी में कहा गया कि लगता है भयंकर गर्मी की वजह से शरीर का फैट उबल पड़ा और सॉफ्ट टिश्यू वास बनकर उड़ने लगे। उसके बाद बहुत तेजी से तापमान गिरा, जिसकी वजह से वो चमकदार शीशे में तब्दील हो गया।